फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे बजाज फिनसर्व बीमाई कार्ड का आप कार्ड नंबर या कार्ड को कैसे देख पाएंगे, उसे ऑनलाइन कैसे यूज़ कर पाएंगे। पहले बजाज फिनसर्व आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता था, बट अभी वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करता। आप एप्लीकेशन के थ्रू कार्ड देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप एमडी टॉकीज में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, एमडी टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है जी, ओपन कर लीजिए प्ले स्टोर। यहाँ पर टाइप करना है बजाज फिनसर्व वॉलेट। फिनसर्व वॉलेट जी, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिए। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए, रीड मोड पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन का डिटेल्स पढ़ सकते हैं सारा। ये एप्लीकेशन से क्या क्या आप कर पाएंगे, तो आप जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ प्रोसेस। ये ओपन कीजिएगा, इस टाइप का आपके पास आएगा। रेड कॉर्नर पर ये मेनू का बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक कर लीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको वही प्रोवाइड करना है जो बजाज फिनसर्व में आप डाटा प्रोवाइड किए हैं, सारा इसमें सेम प्रोवाइड करना है जी। इस टाइप का आएगा, जो मोबाइल नंबर बजाज फिनसर्व में प्रोवाइड किए वो इसमें प्रोवाइड करना है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ लॉगिन कैसे होता है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो बजाज फिनसर्व में आप प्रोवाइड किए हैं। डिफरेंट डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, बट कार्ड शो नहीं करेगा। तो मोबाइल नंबर डाल के आपको ये ब्लू बटन के सेम ओटीपी है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर जो मोबाइल नंबर आप डाले मोबाइल पे वो ऑटो हो जाएगा डिटेक्ट। ये देख सकते हैं जिस टाइप का है। ऊपर में देखिए एमआई का सिंबल बना हुआ कार्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर कुछ भी आपको डाटा मांगते हैं तो आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आप बजाज फिनसर्व में प्रोवाइड किए वही इसमें डालना है। डालने के बाद आपको सी एमआई कार्ड पर क्लिक कर देना है। CMI कार्ड नाउ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको कार्ड शो कर देगा। ये देख सकते हैं, ये आपका गेयर डिस्टेंस ये आ गया बजाज फिनसर्व कार्ड। यहाँ व्यू डिटेल्स ब्लू कलर का बटन है, इस पर आप क्लिक करके टोटल देख सकते हैं। लोन अमाउंट, पेड अमाउंट, रिमेंडिंग अमाउंट, EMI अमाउंट, टोटल नंबर्स ऑफ EMIs, डाउन पेमेंट, सारा डिटेल आ जाएगा। अब कार्ड को व्यू करना, आपको ये पूरा नंबर नहीं दिया होता। व्यू कार्ड नंबर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में SMS आएगा, वो ऑटो डिटेक्ट होकर आपका पूरा नंबर शो कर देगा। इस पर क्लिक करना और हाउ टू यूज़ EMI कार्ड, इस पर आपको क्लिक करके ये देखिए, गिव योर मोबाइल नंबर, जहाँ से आपको शॉपिंग करना है या कार्ड नंबर आप उनको देंगे तो आपके पास OTP आएगा। आप उनको OTP प्रोवाइड करिएगा तो आपका शॉपिंग कर सकते हैं इस तरह। या आई हेल्प बटन पर क्लिक करके कस्टमर सपोर्ट से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे में आई हेल्प से यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, कॉलर्स कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लिमिट देख सकते हैं, टोटल लिमिट, ड्यूस लिमिट, अवेलेबल लिमिट, सारा दिया हुआ है। और रेड कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करिए, देखिए EMI कार्ड, यहाँ से भी आप कार्ड देख सकते हैं क्लिक करके। एक ये डिस्टेंस कार्ड आ गया यहाँ से, और सबसे नीचे में ये देखिए आप होम एक्सपेंसिव ऑफर, तो एक्सपेंस पे क्लिक करके, तो फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा, MSS परमिशन, हुआ मैंने पहले ही कर चुका है। ये आपका पूरा ट्रांजेक्शन का डिटेल्स शो कर देगा, कितना आप एक्सपेंस किए। यहाँ पे मैं ये देखिए रेड कॉर्नर पे क्लिक करके अप्रैल, मई, जून, मंथली वाइज आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से जितने आप, बहुत ही यूजफुल टूल्स से। और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखिए सेटिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप किसको एक्सपेंसेस लेना चाहते हैं, किसको एज क्या लेना चाहते हैं, सेटिंग करके सेव करके आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से आपको ये शो कर देगा। उसके बाद ऑफर्स में क्लिक करके आप ऑफर्स देख सकते हैं, क्या क्या ऑफर्स बजाज प्रोवाइड कर रही है। कोई ऑफर्स आपको अच्छा लगा तो आप रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में आपका जितना ट्रांजेक्शन आएगा ट्रांजेक्शन शो कर देगा आपको। उसके बाद वॉलेट पे क्लिक कीजिएगा तो वॉलेट का आपका ये आ जाएगा डिटेल। अपग्रेड वॉलेट अपग्रेड कर सकते हैं, बैलेंस लिमिट है अभी 1 लाख है, यूज लिमिट 0। अपग्रेड पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद आपका डिटेल्स होकर देगा कैसे क्या होता है। ठीक, टू कंप्लीट योर फुल KYC प्लीज विजिट आवर नियरेस्ट KYC सेंटर, पेन और आधार कार्ड नंबर के साथ। तो KYC सेंटर यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका, दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरा 3 किलोमीटर, तो आप अपने हिसाब से जाके वहाँ से KYC अपडेट करवा सकते हैं।
ये देखिए आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिक बिल, मोर, ये सारा आप वॉलेट से भी कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व के थ्रू भी आप कर सकते हैं जी। ये सारे आपके ऑफर शो कर देंगे। फिर फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैसेंजर पे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप MD टॉकीज में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसे